एंड हेलो एंड वेलकम टू वन गाइस, यू आर वाचिंग वन माइल अहेड और मैं हूं आपका होस्ट सौरभ। और आज मैं आया हूं एक नए डे 3 रूटीन के साथ। तो अभी हम लोग का प्लान बनाया है कि हम लोग शनिवार वाड़ा जाएंगे, यहाँ का जो मोस्ट ऑस्पिशियस और जो मोस्ट अट्रैक्टिंग टूरिस्ट स्पॉट। तो पुणे में यही जो आप आते हैं ट्रेन से, आपको शनिवार वाड़ा की जो पिक्चर सबको दिखती है ये वही है। तो आज हम वहीं जा रहे हैं और आज हम वहाँ से कुछ मोमेंट्स वहाँ से कुछ लेने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शेयर करनी पड़ेंगी उनके बारे में, जैसे शनिवार वाड़ा की जो एंशियंट हिस्ट्री और जो भी है। तो अभी हम फ़िलहाल हाईवे पे हैं और हाईवे पे चलते चलते हमको थोड़ा दूर भी जाना है। तो हमारे यहाँ से दिखा रहा था लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है, मतलब पुणे के मेन जो एरिया से हैं वो वहाँ से लगभग थोड़ी दूर। तो अभी हम लोग बाइक से जा रहे हैं वहाँ पे, जब पहुँचेंगे तो हमको बाइक पार्क करनी पड़ेगी। और फ़िलहाल पार्किंग की कोई फ़ीस नहीं है वहाँ पे, आप चाहे तो आप ऐसे ही रख सकते हैं वहाँ पे। और फ़िलहाल आपसे वहीं मिलते हैं, फिर बातें करते हैं आपसे। टिल देन के लिए स्टे ट्यून्ड। हम बस आ गए यहाँ पे, तो हमने बाइक रख दिया उस तरफ, बाइक रख के ये रहा मेरे सामने शनिवार वाड़ा। तो अभी हम जाएंगे अंदर और पर हेड टिकट है 25 रुपीज़ पर हेड, एडल्ट हो या फिर जो भी हो आपको पर हेड उतना ही देना है। तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। तो ये है शनिवार वाड़ा का मेन एंट्रेंस और ये पीछे उसके जो एक छोटा सा गार्डन है, शायद कोई इवेंट जो होता है तो वही है। और उसके साथ अभी हम जा रहे हैं अंदर। और पहले हमने सोचा क्यों ना जो बाउंड्री टेरेस है वो पहले घूम लिया जाए, फिर हम सारे जगह पे जाएंगे। और अभी हम यहाँ से बाउंड्री का जो टेरेस है ये सीढ़ी से चढ़कर हम जाएंगे और देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी ये हम जस्ट जा रहे हैं साइड से और ये रहा कुछ व्यू ऐसा यहाँ से। तो व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से, वो शायद वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज होती होगी। और ये सीधे यहाँ से मुझे कोई ये दिख रही है, तो अभी हम वैसे ही चेक करेंगे। उसके साथ साथ ये शायद चिमनी जैसा कुछ लग रही है और ऊपर से हमें भी शायद ढूंढनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे। तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। और ऊपर से ये रहा यहाँ से सीनिक ब्यूटी व्यू जो कि आप देख पा रहे हैं। तो हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं इनके बारे में, फिर और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर।
तो ये सही छोटी सी सीढ़ी और यहाँ से जो व्यू दिखता है गाइस इज अमेजिंग। इसका एटमॉस्फेयर ही मतलब अलग चीज़ बताता है। जैसे अगर कोई आप महाराजा हो और ऐसे अपने गार्डन में टहल रहे हो, लेकिन ये चीज़ कुछ और है। तो अभी हम ये इनके चारों ओर जो ये है इनकी बाउंड्री है वही अभी हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत दूर और बहुत लंबी लंबी है। तो जितना हो सके हम ट्राई कर रहे हैं। ये सामने मुझे और एक पैलेस दिखाई दे रहा होगा आपको, ये भी शनिवारवाड़ा से रिलेटेड है पैलेस। तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे भी जाने का और एक्सप्लोर करने का। तो अभी हम ये चारों चक्कर घूम कर आते हैं और आपको दिखाते हैं। तो उतने देर के लिए स्टे ट्यून। तो ये है मेरा दोस्त शोमो, हम दोनों आए हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी हम जस्ट यहाँ से जस्ट फिनिश करके निकलने वाले हैं, क्योंकि हमने पूरा देख लिया है। तो अभी हम पार्किंग की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ का जो बैल्कनी व्यू है, जो फेमस बैल्कनी व्यू जो कि बहुत जगह मूवीज़ में भी शूट हुआ है, तो वो एक बार देख लिया जाए, फिर यहाँ से हम निकलेंगे। ये है वो फेमस बैल्कनी शनिवारवाड़ा की। यहाँ से बहुत सारी मूवीज़ भी शूट हुई है अगर आपको नहीं पता हो तो। तो यहाँ से जो शनिवारवाड़ा की जो मतलब ये जो गार्डन की जो व्यू आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है अगर आप चेक करेंगे तो। तो दिस इज़ द व्यू गाइस, दिस व्यू इज़ अमेजिंग इफ़ यू कैन सी। और अभी हम यहाँ से जाएंगे गणेश भगवान के एक मंदिर पे, जहाँ पे बहुत ही माना जाता है कि बहुत ही जागृत मंदिर है। तो अभी हम यहाँ से वही जाएंगे, तो वही डिस्कस कर रहे हैं। अभी नीचे आ गए हैं, तो अब हम आपसे वही मिलते हैं। टिल देन के लिए 1 माइल अहेड साइनिंग ऑफ।